पूरा मामला सामने आया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मन में सवाल उठता है कि अगर लॉकडाउन में कहीं से भी किसी तरह की कोई छूट होती है, कोई रियायत या ढील दी जाती है, क्या उससे प्रशासन की चुनौती बढ़ तो नहीं जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, लॉकडाउन अपने आप में चुनौती तो है ही। ये जो भी अभी हो रहा है कोविड के लिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पूरे विश्व में। आप याद करिए, हमारे जीवन काल में ना ही हमारे माता पिता ने अपने जीवन काल में इस प्रकार की परिस्थिति देखी होगी। तो स्वाभाविक है पूरा विश्व इससे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डील कर रहा है। दो चीजें होती है। देखिए, मैं इससे पहले कि थोड़ा सा बताऊं, मैं आपसे 5 सेकंड का एक महत्वपूर्ण समय चाहता हूं। आर नॉट फिनोमेना होता है, यहां डॉक्टर साहब बैठे हैं वो इसे समझेंगे, उसे जानना जरूरी है कि लॉकडाउन कैसे हेल्प करता है। अगर एक संक्रमित व्यक्ति है और देश में कोई लॉकडाउन नहीं है, तो एक व्यक्ति एक महीने में 406 लोगों को संक्रमित करेगा, एक व्यक्ति। अगर देश में 50% लॉकडाउन है, तो यही एक व्यक्ति एक महीने में 406 के बदले मात्र 15 लोगों को संक्रमित करेगा। और अगर देश में 75% लॉकडाउन है, तो यही एक संक्रमित व्यक्ति पूरे एक महीने में 406 व्यक्ति के बदले में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को संक्रमित करेगा। तो आप सोचिए, अगर 75% लॉकडाउन भी होता है, लॉकडाउन का 75% सक्सेस हो जाता है, तो वो देश में कितनी बड़ी विपत्ति को आने से बचाता है, एक। दूसरी बात है, जहां तक गलतियों का सवाल है कि आनंद विहार में हमने माइग्रेंट लेबर को देखा और आपने निजामुद्दीन के मरकज के बारे में बात की। एक होती है लापरवाही, लोगों की लापरवाही, और दूसरा होता है षड्यंत्र। दोनों में फर्क होता है। अगर किसी की लापरवाही है, उसे समझाया जाए तो वो मान जाते हैं। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि गरीब जो माइग्रेंट लेबर है, उनको तो बहुत तकलीफ आई होगी। आज सरकार ने उनकी बिल्कुल सहूलियत की चिंता की है। 75 लाख लोगों को रोज भोजन कराया जा रहा है, बाकी पैकेज के विषय में आप भी जानते हैं। इसलिए वो लोग, जो थोड़ी बहुत लापरवाही हुई थी, वो आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। किंतु षड्यंत्र का कैसे मैनेजमेंट करना है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मरकज का जो व्यवहार रहा है, पुलिस और एसडीएम के कहने के बावजूद, जो छुपाने का काम, मस्जिदों में छुपने का काम, थूकने का काम, अश्लीलता का काम, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो स्वाभाविक है, दोनों को डील करने का तरीका अलग अलग रहेगा। मगर फिर भी आज इस चैनल में मैं हिंदुस्तान की जनता को नमन करता हूँ। वेस्ट कहती थी, जो वेस्ट के लोग हैं वो कहते थे ये तो अनपढ़ देश है, मगर इस देश के लोगों की परिपक्वता की लेवल देखिए। गांव के कोने, सुदूर गांव के कोने कोने में एक बूढ़ी मां तक समझती है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कब ताली बजाना है, कब लाइट जलानी है, कब घर में बंद होकर रहना है, ये बूढ़ी माएं भी समझ रही हैं। मगर अब वेस्ट में देखिए, लॉकडाउन के बावजूद भी वेस्ट के लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है और सलाम के काबिल है। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लोगों ने वो ताकत दिखाई है, वो मादा दिखाया, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस लॉकडाउन के